और ये वाली वॉल में दोस्तों आपको जो है डिज़ाइन बना के दी जा रही है, पीओपी की डिज़ाइन बनी है। और सबसे बड़ी बात, मकान देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट रेडी टू मूव है, पेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर्स का जो यूज हुआ है वो इंडिविजुअल पिलर है प्रॉपर। आप देखेंगे बगल वाले के अलग है, इसके अलग है, प्रॉपर वॉल्स अलग है दोस्तों। और दोस्तों आसपास देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मकान बने हुए हैं। यहाँ पे आपको एलपीएस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सीएमएस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जयपुरिया भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डीपीएस भी मिल जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हसन। दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक लखनऊ की सबसे बेहतरीन लोकेशन पे दोस्तों मकान ले गए। जैसे कि मकान आप हमारे बैक साइड में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मकान जो है बने हुए, मकान से जुड़ी डिटेल दोस्तों अभी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको लोकेशन दोस्तों, फैजाबाद रोड चिन्हट तिराहे से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों आज हम खड़े हुए हैं रामा डिग्री कॉलेज के जस्ट बैक साइड पर दोस्तों ये मकान है। बात करें रामा डिग्री कॉलेज से डिस्टेंस की तो मात्र 500 मीटर की दूरी पर दोस्तों आज हम खड़े हुए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं शान भाई हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो शान भाई जो है आज भी मौजूद है। जी शान भाई एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत है। शुक्रिया शान भाई। तो शान भाई हमने एक बार जो है लोकेशन बताई है, जी जी आप बताइए कि आसपास में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो घर की बेसिक नीड होती है जी जी वो क्या क्या चीज़ अवेलेबल है आसपास में? बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि हसन मैंने आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल चिन्हट चौराहे के पास में है, रामा डिग्री कॉलेज के पास में है। तो बहुत ज़्यादा जानकार लोग जो ये लोकेशन जानते हैं वो सब जानते होंगे, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम 4 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे आपको एलपीएस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सीएमएस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जयपुरिया भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डीपीएस भी मिल जाएगा दोस्तों। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी, बीबीडी यूनिवर्सिटी, रामा डिग्री कॉलेज और अपना नियर बाई में हमको मिल जाता है यहाँ पे चिन्हट के आसपास में कई यूनिवर्सिटीज, अपने इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों बात करते हैं हॉस्पिटल्स की तो चंदन हॉस्पिटल से लेकर डिवाइन हॉस्पिटल और सहारा हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल भी सिर्फ सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको रेडियस में मिलने वाले हैं। और दोस्तों मार्केट की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी मार्केट, लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट आपको जो मिल रही है चिन्हट चौराहे पे, मात्र 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस की दूरी में मिल रही है। होसड़िया चौराहे पे जो आपको दोस्तों मार्केट मिल रही है वो भी दोस्तों 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको दोस्तों मिल रही है। और भी दोस्तों यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो इसको अगर हम बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा खिंचता चला जाएगा, उसके लिए जो है कॉल करनी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप जो है कॉल कर सकते हैं। एक चीज बताना हम लोग भूल गए, वो है मकान के साइज सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों दो वेरिएंट में यहाँ पे आपको मकान मिलने वाला, एक मिलने वाला है आपको 800 स्क्वायर फीट का 2 BHK मकान बना है, पूरा फिनिश है, रेडी टू मूव कंडीशन में आपको मकान मिल रहा है। दूसरा दोस्तों मकान मिलने वाला है 1060 स्क्वायर फीट का, जो मकान उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है और दोस्तों वो भी मकान रेडी टू मूव कंडीशन में है। फ्रंट एलिवेशन आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग टच दिया गया है मकान पे। तो एंट्री करते हैं हम लोग मकान के अंदर, लेकिन उससे पहले शान भाई हम बात करना चाहते हैं इस एरिया में क्या क्या सुविधाएं, जैसे नगर निगम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोल, रोड, सारी चीजें, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन से लेके सारी चीजें यहाँ पे आपको दोस्तों मिल रही है, क्योंकि एरिया नगर निगम के अंतर्गत आता है, पूरा रेडी टू मूव कंडीशन में। अभी आप ड्रोन शॉट में देखिएगा यहाँ पे कितने ज्यादा मकानी मकान आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मकान शान भाई 1060 स्क्वायर फीट का जो है ये मकान है, 2 BHK का पूरा कंप्लीट मकान है। ठीक है, जैसे कि सियाज जैसी गाड़ी है, आराम से काफी बड़ा पोज दिख रहा है, आराम से खड़ी गाड़ी, इसके बाद भी आपको बाइक पार्किंग इधर मिल रहा है। हाँ, उधर बाइक का स्पेस आपको मिल जाता है और इन्वर्टर का स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे आपको वॉशिंग का कोई काम करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं पे समरसेबल का कनेक्शन है, बाकी टोटी वगैरह यहाँ पे जो है लगी हुई है। और एक बार जो है इसकी छत पे देख लीजिए, पीवीसी पैनल का जो है दोस्तों यहाँ पे छत पे जो है वर्क हुआ है, इस साइड में भी हुआ है। और दो एंट्रेंस मिलते हैं दोस्तों आपको एंट्री करने के लिए, एक ये, दोनों में दोस्तों दो डोर लगे, एक मॉस्किटो नेट वाला, एक नॉर्मल डोर। इसमें दोस्तों एक खास चीज़ मिल रही है, जैसे कि बहुत लोगों की ऐसे नीड होती है, कॉल्स आते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लिए ड्राइंग रूम और आपको जो दोस्तों कॉमन वॉशरूम होता है बाथरूम, वो आपको इस साइड में देख लिए मिला जा रहा है। कॉमन बाथरूम दोस्तों आपको यहाँ मिल रहा है, पूरा दोस्तों 8 फीट तक टाइल्स लगे हैं, वेंटिलेशन लगा के दोस्तों यहाँ पे, जिसमें लगी है आपकी इंडियन सीट, अगर कोई आपका गेस्ट आता है दोस्तों यहाँ बैठेगा, ये वॉशरूम यूज़ कर लेगा, अंदर जो है जाएगा नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि आप इधर एंट्री करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपको एक विंडो मिल जाती है, देख सकते हैं बेहतरीन 4x6 की विंडो, मॉस्किटो नेट, ग्रिल, शीशा, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात कर लें एसी के पॉइंट की तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है, और पूरे घर की छत पे दोस्तों आपको मिल जाएगी फॉल सीलिंग, जैसा कि देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन पे, अलग अलग डिजाइन की बनी हुई है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 2x4 के दोस्तों यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, और ये वाली वॉल में दोस्तों आपको जो है डिजाइन बना के दी जा रही है, पीओपी की डिजाइन बनी है।
और सबसे बड़ी बात, मकान देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट रेडी टू मूव है, पेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें हो चुकी हैं। वो था दोस्तों आपका ड्राइंग रूम, और ये है दोस्तों आपका डाइनिंग स्पेस। इसका साइज भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट मिल रहा है, 10 सीटर डाइनिंग टेबल दोस्तों बहुत ईजिली जो है इस स्पेस में आप डाल सकते हैं, और फॉल सीलिंग देख सकते हैं इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक टैप है, एक नाली है, यहाँ पे लगेगा वॉश बेसिन, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यहाँ पे दोस्तों एक वॉश बेसिन। काफ़ी बड़ा किचन दोस्तों आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो शाम पे किचन की हम अगर बात करें मॉडलर की, तो मॉडलर करके देंगे कि इसको ऐसे ही देंगे जी, मॉडलर किचन रहेगा, किचन जो है मॉडलर रहेगा, ऑन डिमांड रहती है सारी चीज़ें, ऑन डिमांड कोई कहेगा तो मॉडलर कर देंगे, नहीं तो जो है ऐसे ही दे देंगे जी। ठीक, बाकी इसके ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे पीओपी वगैरह बनी हुई है। एक इंट्रेंस दोस्तों वो था जिधर से हम लोग एंट्री करिए, और एक इंट्रेंस दोस्तों ये है जिससे कि आप डाइनिंग स्पेस में निकलेंगे, और दो बेडरूम और एक दोस्तों स्टोर रूम भी आपको इसमें मिला जा रहा है। पहले आपको हम लोग दिखाते हैं ये वाला बेडरूम दोस्तों, ये है आपका पहला बेडरूम, काफ़ी बेस्ट साइज़ है दोस्तों इसका, 13x10 का जो है आपको साइज़ मिल रहा है। बाकी देख सकते हैं पूरा मकान दोस्तों आपका कंप्लीट है, और कॉलम पे दोस्तों ये मकान बना है, कॉलम लटक भी टाई भी, पॉचलिंग इसके ऊपर भी देख सकते हैं दोस्तों। दोनों बेडरूम से अटैच मिलता है दोस्तों आपको इसका वॉशरूम, जैसे कि ये बेडरूम था ये है इसका वॉशरूम। बेडरूम से हम लोग निकल के आएंगे ओटीएस में, इस साइड में दोस्तों आपको मिल जाता है इसका एक वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। इसमें दोस्तों जो है आपकी वेस्टर्न सीट लगेगी, टैच वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें जो है बिल्कुल कम्प्लीट, वेंटिलेशन की डक भी जो है यहाँ पर आपको मिलती है। और सेकेंड बेडरूम दोस्तों ये है, यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं वॉश बेसिन वगैरह जो है या सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगेंगी, और यहाँ पे जाल है, यहाँ से वेंटिलेशन आपको मिलेगा इस घर में। इधर से हम लोग एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर, इसका साइज़ दोस्तों उससे भी बड़ा है, आपको बता दें टाइल्स गिनके 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 16x10 का जो है आपको इसका साइज़ मिला जा रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक काफ़ी बड़ा साइज़ हुआ। फॉल्सलिंग देख सकते हैं हर जगह जो है आपको अलग अलग डिज़ाइन की फॉल्सलिंग देखने को मिल रही होगी, और एसी का पॉइंट देख सकते हैं आपको सब जगह जो है आपको एसी का पॉइंट हर जगह जो है पूरे घर में आपको मिल रहा है। और इधर से निकल के हम लोग आते हैं इस तरफ, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है एक स्टोर रूम स्पेस, दरवाज़ा लग जाएगा तो स्टोर रूम हो जाएगा दोस्तों, ऐसा आप जो है इसको पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन आपको पूजा रूम बन जाएगा। और इसी के पास में देख सकते हैं यहाँ पर किचन है दोस्तों, हम लोग फिर से निकल आए हैं इसके डाइनिंग स्पेस में, तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जीने पे आपको डबल मोल्डिंग के ग्रेनाइट हैं, और यहाँ पे लगी स्टील वाली रेलिंग, और यहाँ पे वॉल पे दोस्तों हम लोग जीने पे चढ़ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डिज़ाइन बनी हुई है, तीन डिज़ाइन जो है यहाँ पे बनी है, और तीनों में जो है यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, और यहाँ पे रोशनी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये खिड़की मिल जाती है जिसपे जो है ग्लास कवर किया गया है। और ये ममकी स्पेस, यहाँ पे मिलता है आपको लोहे का दरवाज़ा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस वक्त छत के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर्स का जो यूज हुआ है वो इंडिविजुअल पिलर है प्रॉपर, आप देखेंगे बगल वाले के अलग है, इसके अलग है, प्रॉपर वॉल्स अलग है दोस्तों। और दोस्तों आसपास देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मकान बने हुए हैं, ये मकान तो दोस्तों आपने देख लिया है। और दोस्तों बात करते हैं दूसरे वाले मकान की, तो वो 800 स्क्वायर फीट का है। दोनों के मकान की हम बात करते हैं इस वक्त रेट की, रेट सबसे इम्पोर्टेंट रेट की बात करते हैं, जो 1060 स्क्वायर फीट का है ये मकान 60 लाख रुपए का है, और जो आप देख रहे हैं 800 स्क्वायर फीट का वो मकान आपको मिलने वाला है 46 लाख का। दोस्तों दोनों मकान रेडी टू मूव कंडीशन में है, देर मत कीजिए, आइए मकान देख जरूर लीजिए एक बार, क्योंकि मकान लोकेशन भी अच्छी है और मकान बने भी अच्छी तरीके बने भी अच्छे हैं, और बीबीडी की भी दूरी जो है ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बीबीडी जो है पास ही में जी। तो दोस्तों मकान से डिटेल आपको पूरी मिल चुकी है, मकान की लोकेशन वगैरह समझ चुके हैं, मकान जो है पूरा दिखा दिया, 800 स्क्वायर फीट का भी मकान का रेट पता चल चुका है, इसका भी जो है पता चल चुका है, और इस रेट में दोस्तों किचन जो है आपको मॉडलर बना के दिया जाएगा जैसे कि शान भाई ने बताया था। तो इस मकान से जुड़ी आपको सारी डिटेल मिल चुकी है, विजिट करने के लिए दोस्तों आपको नंबर दिया गया, दिए गए नंबर पे कॉल करिए, यहाँ पे आके दोस्तों इस मकान को विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं आप सबको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।